माय चैनल गाइस, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दे रहा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज गिव मी वन लाइक, और अगर बहुत अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड के साथ सोशल मीडिया पे या रिलेटिव के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पुरानी शॉल या पुरानी स्टॉल का यूज़ बहुत ही डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हैं, और ये पोंचो बना सकते हैं आप इससे बहुत इजीली, एक कट और दो सिलाई में ये बहुत अच्छा लगता है, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ड्रेस पर भी बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट का क्विक रिव्यू। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं हेयर रिमूवल के, और बहुत सारे लोग बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स को यूज़ भी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बिकनी लाइन एरिया का हेयर रिमूवल और फुल बॉडी जैसे हाथ और पैर के लिए हेयर रिमूवल अलग अलग आता है? ये बात सबको नहीं पता होगी। इनफैक्ट वाइजॉन या वीट जैसे बड़े ब्रांड्स में भी क्लियरली मेंशन होता है कि ये हाथ और पैर के लिए है, लेकिन बहुत सारे लोग हाथ पैर के अनवांटेड हेयर को निकालने के साथ साथ बिकनी एरिया के हेयर को भी निकालते हैं उससे, जो सेफ नहीं है, क्योंकि हाथ पैर की जो स्किन है वो अलग होती है और बिकनी एरिया की जो स्किन होती है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है और हाथ पैर की स्किन से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। साथ ही उसमें हाउस केमिकल भी होता है, क्योंकि वो हाथ पैर की स्किन को देखते हुए बना होता है, तो उस पर हाथ पैर की स्किन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसी हेयर रिमूवल को आप बिकनी एरिया में यूज़ करते हो तो फिर वहाँ का पीएच लेवल बिगड़ सकता है, साथ साथ आपकी स्किन धीरे धीरे, आपने नोटिस किया होगा, वो काली पड़ती जाती है। लेकिन आज एक ऐसी मैं ब्रांड के बारे में आपसे शेयर कर रही हूँ जो स्पेशली बिकनी लाइन रिमूवल क्रीम है, जो बिकनी एरिया के हेयर को रिमूव करती है और इससे स्किन काली नहीं पड़ती, क्योंकि 100% ये नेचुरल है, साथ साथ इसमें कैमोमाइन एक्सट्रैक्ट है। अब कैमोमाइन एक्सट्रैक्ट क्या होता है? सारे हेयर रिमूवल क्रीम में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे उनकी स्किन वहाँ की काली पड़ने लगती है, लेकिन इसमें स्पेशली कैमोमाइन एक्सट्रैक्ट मिक्स किया गया है कि स्किन जो काली होती है उसके लेवल को वो बैलेंस करता है, तो स्किन जो है स्किन वहाँ की लाइटन ही रखता है। 100% ये सेफ है, नो हार्श, नो गंदी सी जो स्मेल आती है हेयर रिमूवल के बाद, इससे कोई भी आपको गंदी सी स्मेल नहीं आएगी, स्किन डार्किंग नहीं होगी, इनका ये पूरा क्लेम है, और साथ साथ ये नेचुरल है। तो प्राइवेट पार्ट्स बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो इस तरह के जो हार्श केमिकल वाले बिकनी एरिया के या फिर हेयर रिमूवल, अनवांटेड हेयर रिमूवल, उसको ना लेकर के आप बिकनी लाइन के लिए 100% जो बिकनी लाइन हेयर रिमूवल क्रीम है उसको यूज़ करें, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एवरटीन का ये क्रीम बहुत ही सुपर है, हर मायने में, स्मेल के मायने में भी और वर्क के मायने में भी, और नेचुरल है तो बिल्कुल सेफ है। तो इंग्रेडिएंट जो है पूरी अच्छी है, सेफ है, नेचुरल है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, वहाँ से बाय कर सकते हो, एक बार चेक जरूर करिएगा इसको। तो पोंचो बनाने के लिए सबसे पहले आप जो भी स्टॉल या शॉल ले रहे हैं, मेक श्योर कि अच्छे से उसको कहीं पे स्प्रेड कर दें। यहाँ पे मैंने मेज़ पर अपने स्प्रेड कर रखा है, और रिंकल्स नहीं आने चाहिए दोनों साइड में, ये देख लें आप, और दोनों सिरा जो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ वो इक्वली फ़ोल्ड करना है, तो इस तरह से इक्वली आप फोल्ड कर लें, और थोड़ी सी यहाँ पर रिंकल्स आ रही हैं तो मैं इसको भी प्रेस कर लूँगी, तो आप भी मेक श्योर कि कहीं से रिंकल्स आ रही हैं तो उसको प्रेस कर लें अच्छे से, और अच्छे से पहले इसको सेट कर लें, ताकि ऊंचा नीचा नहीं, अगर ये सेट नहीं रहेगा बराबर तो ये आगे पीछे से ऊंचा नीचा हो जाएगा, तो इसीलिए इक्वली हमें इसको बराबर रखना है। और यहाँ पे अब मैं इसकी स्प्रेड करने के बाद, अच्छे से सेट करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग हम ज़्यादा इसमें बस एक कट होता है, तो बस एक कट ऊपर से ये लगेगा यहाँ पर, तो इसको सीधा कट कर लेना है एकदम इक्वली बराबर। और ऊपर वाला पार्ट देखिए, मैंने दोनों कट कर लिया, अलग हो गया ये दोनों पार्ट,
अब मैंने अब आपको जो सीधा आपका जो सीधा मतलब डिज़ाइन है उसको आप ऐसे रख लेंगे। ये मेरी डिज़ाइन ऊपर आने वाली है तो इसलिए मैंने इसको ऊपर रख लिया है। तो डिज़ाइन देख ले कौन सी आपको ऊपर आनी है और कौन सी सिलाई में अंदर जानी है। तो यहाँ देखिए ये दोनों डिज़ाइनें मेरी ऊपर आएंगी तो इसीलिए इसको नीचे रखना है दोनों एक साथ करके इस तरह से देखिए। और ये कॉर्नर से हमें इसको मिलाना है। मैंने जो ऊपर वाला पार्ट है उसको इस तरह से घुमा दिया है और कॉर्नर से इसको मिलाते हुए ऊपर तक हमें कुछ सिलाई लगानी है। ये यहाँ से लेके इस वाले कॉर्नर से लेके और ऊपर कॉर्नर तक बस इसमें इस तरह से एक खड़ी सिलाई हम लगा देंगे। बहुत इजी तरीका है इसको बनाने का। तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ इसको। तो यहाँ पे देखिए ये सिलाई लग गई है मेरी ऊपर और फिर से मैंने उसी तरह से इसको स्प्रेड कर लिया है जिस तरह से मैंने किया था पहले। और अब मैं इधर से दिखा रही हूँ कि करना क्या है। ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है इसको इस तरह से देखिए मैं कैसे उठा रही हूँ, इस तरह से उठा लेना है और उसका कॉर्नर उठाना है देखिए यहाँ से। और ये वाला कॉर्नर जो है नीचे वाले पार्ट का उसको मैच कर देना है। मैच करके पूरा जो लास्ट तक है नीचे वाले पार्ट का कॉर्नर तक ऊपर वाले पार्ट को मिला देना है। देखिए इस तरह से सिलाई लगानी है कि मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये यहाँ तक सिलाई हमें लगा देनी है बस एक और ये जो एरिया है वो छोड़ देना है। ये हमारा नेक एरिया बचता है जिससे हमारा हेड ऊपर आएगा। एक बारी फिर से मैं अच्छे से समझा दूँ, ये सिलाई हमारी एक लग गई है और फिर से मैंने उसी तरह से शॉल को बिछा लिया है। अब मैं नीचे एक कॉर्नर है जो नीचे वाले पार्ट में और ऊपर के पार्ट में जो कॉर्नर है इन दोनों को हमें इस तरह से मिक्स कर देना है। और ऊपर तो कोई कॉर्नर है नहीं, नीचे वाला वही कॉर्नर है तो ऊपर वाले से मिक्स करते हुए दोनों कॉर्नर को नीचे वाले में जोड़ना है इस तरह से देखिए। और ये सिलाई लगाती जानी है इसमें, ये इस तरह से बहुत ईजी है करना। पूरा आपको दूसरे कॉर्नर तक इसको पूरे अच्छे से अटैच कर देना है यहाँ तक जो ये कॉर्नर ख़त्म हो रहा है। और ये जो बचेगा हमारा वो हमारा हेड का एरिया होगा, नेक का एरिया होगा। तो ये वाली सिलाई ऐसे खड़ी हम इस पर एक लगा लेंगे। ये दूसरी सिलाई है, पहली सिलाई हम लगा चुके हैं और दूसरी सिलाई हम इस पर लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने सेकेंड सिलाई भी इस पर लगा ली है और ये कुछ इस तरह से हुआ है। और ऊपर का जो नेक एरिया है वो इस तरह से छूटा हुआ है, आप देख सकते हो। अब इसको हम सेट कर लेंगे। तो ये जो सिलाइयाँ हैं उनको हम बीच में सेट कर लेंगे, जैसे बीच में ला लेंगे दोनों तरफ की सिलाइयों को। देखिए किस तरह से कर रही हूँ मैं, ये दोनों सिलाइयों को बीचों बीच में मिला देंगे। ये देखिए मिल गया दोनों सिलाइयाँ और नीचे के ट्राइंगल को भी आपस में देखिए ये मिल गए। दोनों ट्राइंगल को भी इक्वल कर लेंगे फैला के और इसको पलट देंगे। जो सीधा साइड हमारा है उसको भी पलट देंगे और ये इस तरह से नेक को मिला देंगे। देखिए इस तरह से ये सेट हो गया, नेक का ऊपर आ गया पार्ट और ट्राइंगल वाला पार्ट नीचे चला गया। और जो उसमें टेशल टाइप में लटक रहे हैं वो भी एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पोंचो बन के मेरा कंप्लीट हो गया है और ये मैंने हैंग करा है। इसको ये दिखा रही हूं, आप देख सकते हो कि बिल्कुल मार्केट जैसे जैसे मार्केट में मिलता है अच्छा लग रहा है। वैसे ये बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हो और बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और एक कट सिर्फ हमने एक तरफ लगाई है और दो तरफ हमने इसमें सिलाइयाँ लगाई हैं। दो ही सिलाई में ये बन के रेडी हो जाता है। आप चाहो तो स्टॉल या शॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर थोड़ा डिफरेंट लुक देना है तो इसमें अलग से आप टेसल्स इस तरह से ऐड कर सकते हैं या साइड में इस तरह से बटन्स जो साइड में हैं एरिया में उस तरह लगा सकते हैं या फिर आप प्लेन के साथ भी जा सकते हो।
हर ड्रेस में ये अच्छा लगेगा, हर ड्रेस में ये अलग सा लुक देता है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।